थाना बमीठा के ग्राम खरियानी के जंगल में 25/3/2023 की रात्रि में मिले शव के अंधे कत्ल का 5 दिवसीय बमीठा पुलिस ने किया खुलासा। दिनांक 25-26 मार्च की दरमियानी रात को ग्राम खरियानी के राजेश विश्वकर्मा का शव मिलने की सूचना डायल 100 पर पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना पर थाना प्रभारी बमीठा द्वारा थाना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी से तत्काल अवगत कराते हुए मैं पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घटना स्थल को सुरक्षित कर मौके की बारीकी से जांच पड़ताल की गई। मृतक राजेश विश्वकर्मा पिता गिरजा प्रसाद विश्वकर्मा के अज्ञात व्यक्ति द्वारा लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या कर देना पाए जाने से अपराध क्रमांक 107/23 धारा 302 का पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक छतरपुर रेंज श्री ललित शाखेवर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमित सांगी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विक्रम सिंह के निर्देशन में श्रीमान SDOP महोदय खजुराहो श्री मनमोहन बघेल के मार्गदर्शन में घटना का खुलासा करते हुए अज्ञात आरोपी की तलाशी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। ग्राम खरियानी में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर, सूचना तंत्र सक्रिय कर एवं तकनीकी टीम की मदद से बारीकी से जांच पड़ताल किए जाने के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि करीब 2 वर्ष पूर्व मृतक राजेश विश्वकर्मा का गांव के ही बाला आदिवासी के घर आना जाना था, जो बाला आदिवासी को पसंद नहीं था, जिसे वह बुराई मानता था। दिनांक 31/3/2023 को बाला आदिवासी के दस्तयाब होने पर पुलिस द्वारा गंभीरता से पूछताछ करने पर बाला आदिवासी द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि मृतक राजेश विश्वकर्मा के उसकी पत्नी से अवैध संबंध का संदेह होने के चलते घटना दिनांक 25/3/2023 को मृतक राजेश को किशनगढ़ से वापस आते समय ग्राम खरियानी से लगभग 2 किलोमीटर पहले चमरकुंडी हार में जंगल के कच्चे रास्ते में अकेला आते हुए देख लाठी डंडों से मारपीट कर मृत राजेश की हत्या कर दी। मामले में वैधानिक कार्यवाही उपरांत आरोपी बाला आदिवासी उम्र 36 साल निवासी ग्राम खरियानी को दिनांक 31/3/2023 को उसके बताए अनुसार घटना में प्रयुक्त आला जर्ब सागौन का डंडा एवं घटना में प्रयुक्त हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तथा घटना के समय पहने हुए कपड़े जब्त किए जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय जुडिशियल रिमांड पर पेश किया जाएगा। संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बमीठा PR डाबर एवं थाना स्टाफ सौनी अशोक शर्मा, सौनी जगदीश शिवहरे, PR 725 जयराम, PR Ram Prakal शर्मा, R 662 हरिप्रकाश, R 1129 राकेश शर्मा, R 553 नवीन चौरसिया प्रधान आरक्षक, चालक 480 धर्मेंद्र सिंह जाटव, सैनिक 264 ब्रज बिहारी दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हत्या का खुलासा किया गया, पूरी घटना क्या थी सर? ये थाना बमीठा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खरियानी पड़ता है, जहाँ पे 25 और 26 दरमियानी रात खरियानी से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसके सिर पे और चेहरे पे चोट थी। बाद में उसकी पहचान गांव के ही राजेश विश्वकर्मा के रूप में हुई, जिसकी आयु 28 वर्ष है और जो अपना छोटी मोटी किराने की दुकान करता है। ये शव मिलने के बाद इसका पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद इसमें अज्ञात के विरुद्ध हत्या का प्रकरण कायम किया गया। ग्राउंड पुलिसिंग TI बमीठा और SDOP खजुराहो द्वारा जब की गई तो ये पता चला कि एक जो आरोपी है उसके घर इसका आना जाना था और आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पे संदेह करता था इसको लेकर, और इसको इसने एक दो बार मना भी किया था कि मेरे घर नहीं आया करें। दिनांक 25 तारीख को ये 2 बजे ग्राम से हरियाणी से निकला था, आरोपी ने इसे निकलते हुए देख लिया था और जब ये जंगल में सुनसान में आ गया तो पीछे से आके इसने लाठी का वार किया और इसके गिर जाने के बाद इसके ऊपर अनेक बार लाठी का वार किया। अब आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है, उसने अपना आरोप स्वीकार कर लिया गया है और थाना बमीठा और SDOP ने इसमें 2-3 दिन लगातार गांव में जाके पतासाजी की और उसी के परिणाम से ग्राउंड पुलिसिंग करके इस आरोपी को गिरफ्तार किया। थैंक यू सर।